नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के घाबंदा में बने सरकारी नशा छुड़ाओ केंद्र से भागे कई नशा पीड़ित, पुलिस तलाश में जुटी। तरनतारन के अधीन आते गांव भैनी मस्सा में गैस लीक होने से एक घर को लगी आग, 3 सदस्य बुरी तरह से झुलसे। जालंधर के मंडी रोड डाक खाने वाली गली में चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल चुरा कर भाग रहे 3 युवकों को लोगों ने किया काबू, किया पुलिस के हवाले। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के घाबंदा में बने सरकारी नशा छुड़ाव केंद्र में से नशा पीड़ितों के भागने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागने वाले नशा पीड़ितों की गिनती 9 है, जिनमें 7 लड़के कोर्ट की तरफ से भेजे गए मुलजिम हैं, जिन पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा चल रहा है। नशा पीड़ित होने के कारण कोर्ट ने जेल की बजाय उन्हें यहां भेजा हुआ था। इस दौरान जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया कि खाना खाने के बाद खाने वाली प्लेट के साथ 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर और नशा छुड़ाओ केंद्र के स्टाफ के ऊपर हमला करके कांच का शीशा तोड़कर उक्त मुलजिम फरार हो गए। पुलिसकर्मी ने बताया कि कुछ को तो वहीं पर पकड़ लिया गया, लेकिन ज्यादा गिनती में युवक भागने में सफल हो गए। पुलिस ने भागे गए लड़कों के परिवारों को जानकारी दे दी है और सभी जगह छापेमारी कर उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये साढ़े को पेशेंट आए थे जिसे 19 पेशेंट कोर्ट थ्रू आए थे। इन्होंने एनडीपीएस एक्ट लगे हुए थे सैक्शन 27-64 जिसे इन्होंने कुछ अमाउंट बरामद होती है नशा करते हैं। ये कोर्ट ने भेजा से कि तुम अपना या तो ट्रीटमेंट करा लो साढ़े को, उस बेस से असं जो रिपोर्ट लिख के देवे थोड़ा उस तो इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये जो पेशेंट से पहला हफ्ता असं इतने डिटॉक्सीफिकेशन सेंटर से रखे डिएडिक्शन सेंटर से, तो उस तो बाद असं रीहैब सेंटर भेजा सगा। तो उन्होंने पेशेंटा विचों ही 9 पेशेंट से जोड़े इतों रात को इन्होंने प्लैनिंग की है, तो साढ़े स्टाफ ने नाल भी इन्होंने थोड़ा जहा किता हाथापाई की है, तो उत्थे जरा शीशा वगैरह तोड़ के ब्रेक करके उत्थों निकले ने। 9 विच 7 पेशेंट से जोड़े अंडर ट्रायल से कोर्ट वाले, तो 2 पेशेंट साढ़े नॉर्मल से, तो पुलिस भी उत्थे बरामद उस टाइम हैगी सी प्रेजेंट सी। 2 पुलिस वाले इन्होंने असी गार्ड रखे हुए से नाल, उन्होंने भी इन्होंने फिजिकली किया जी, सीसीटीवी फुटेज भी है साढ़े को, तो यह चीज़ हुई है रात को। सर जो कैदी दसे जा रहे हैं कि कोई संगीन धारावान के अंदर उन्होंने तरह ट्राई चल रही, किस तरह के मामले दर्ज? इन्होंने जी एनडीपीएस का ही एक्ट चल रहा है, जिस विच मतलब आप कुछ कंज्यूम करते हैं या कुछ समॉल अमाउंट इन्होंने बरामद होंगी है, उस अधीन आए थे। कि एज के सी सारे? ये अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल के बीच से जी। खाना देने लिए असं जो गेट खोलिया तो आइडिया मतलब कह लो 18-20 पेशेंट कट्ठे बाहर भजे ने, जिद इन्होंने अटैक भी किया साढ़े बंद, तो शीशा तोड़ के 9 के पेशेंट भजे ने, बाकी असं फिर भी साढ़े गार्ड ने भी पुलिस वाले ने मिल के उन्होंने रोक लिया उत्ते। सर कि उन्होंने परिवार को इतला लाई गई है? हाँ जी, परिवार को भी लाती है, असं पुलिस वाले भी लिख के दे दिता हो कि आ इंसीडेंस होया, उन्होंने कन्नी भी पूरी चल रही है, जिद एक पेशेंट उन्होंने फिर मतलब ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਆਤੇ ਗਾਓ ਭੈਣੀ ਮੱਸਾ ਮੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਕੋ आग लग गई। इस दौरान एक परिवार के 3 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना गत साय 6:30 बजे के करीब घटित हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए रघुवीर सिंह ने बताया कि गत साय करीब 6 बजे उसकी दोनों लड़कियां गुरप्रीत कौर और मनप्रीत कौर चाय बनाने के लिए जब माचिस से गैस स्टोव को आग लगाने लगी तो गैस लीक होने के कारण घर में आग लग गई, जिस कारण उसकी दोनों बेटियां और वह खुद बुरी तरह से झुलस गया और घर में सारा सामान जलकर राख हो गया। उसने बताया कि ये धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि उनकी घर की दीवारें तक ढह गई। गौरतलब रहे कि रघुवीर गरीब परिवार से संबंध रखता है और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, इसलिए पारिवारिक सदस्यों ने समाज सेवकों से मदद की गुहार लगाई है। भिखीविंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये जो गैस तो आग लगी
ਕਿਦਾਂ? ਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ ਪਈਏ ਛੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਗਲੈਸ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਲੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਭਵਾਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ? ਮੌਜੂਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ? ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਾਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਦੋ ਗੁੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਊ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਲਾਗੋ ਗੁਆਂਢੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। जालंधर थाना डिवीजन नंबर 3 के अंतर्गत आते मंडी रोड डाक खाने वाली गली में एक दुकान में चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल चुरा कर भाग रहे तीन युवकों को लोगों ने काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि लोगों का कहना है कि एक अन्य युवक जो इनका साथी था वो फरार होने में सफल हो गया। लोगों ने बताया कि डाक खाने वाली गली में एक साइकिल की दुकान पर चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल को कुछ युवक उतार कर भाग गए, जिस पर दुकानदार को पता लगा तो उसने शोर मचाया। पीछा करने पर युवक गलती से बंद गली में घुस गए, जिन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਵਧਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ? ਚੌਥਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜੀ ਫੋਨ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਿਆਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ਫੋਨ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ? ਆਹ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਹ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके कारण नवजन्मे बच्चे की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत अपरा पुलिस को दी गई थी।
जिसके बाद माननीय अदालत में बच्चे की मौत का कारण जानने के लिए अपील दर्ज की गई थी, जिस पर माननीय अदालत ने 6 जनवरी को कब्रिस्तान में दफन किए गए बच्चे की लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाने के आदेश दिए थे। इसी के तहत अदालत के आदेशों की पालना करते हुए अपरा पुलिस चौकी के इंचार्ज सुखविंदर पाल सिंह, SDM गुरसिमरन सिंह ढिल्लो और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में बच्चे की लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह अदालत में पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला का पति अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ SDM ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਲੋਰ। कोर्ट वालों के ऑर्डर हुई थी सर कि एम्बुलेंस तुम्हें मिलेगी, वहाँ से तुम ले आना यहाँ पे कोर्ट में लाने के लिए। फिर वहाँ पे हमने गए, वहाँ तक कहते कहते एम्बुलेंस नहीं मिली। पुलिस वाले को क्या, ये काम तुम्हारा है हमारा नहीं है। तो मैंने कि सर एम्बुलेंस के नहीं, तुम अपने आप ले आओगे। मैंने कि ये काम तुम्हारा है सर, कहते हमारा नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं ये काम हमारा नहीं, ये तुम्हारा है हमारा नहीं है ये काम, ये बोला था पुलिस वालों ने। तो ऑर्डर किया था पुलिस वाले की ड्यूटी लगाया था एम्बुलेंस की सहायता से आपको ले आया जाए कोर्ट में। हाँ जी हाँ जी सर, फिर हमारे को एम्बुलेंस नहीं मिली, हम बस से लेके आए हैं। फिर सर बस में आए हैं, बस में जो पेशेंट है बस में आया। हाँ बस में आया सर, बहुत ज्यादा गिरियत हालियत है फिर भी उसकी। आपको किस लिए बुलाया बयान लेने के लिए? ये हमारे पास 28 तारीख को इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक संगीता नाम की लड़की ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसका हस्बैंड जो है उसको तंग कर रहा है और उसके जीजा जीतू को बोल रहा है कि उसकी शादी जो मेरी सिस्टर संगीता की सिस्टर के साथ करवा दी जाए, नहीं तो वो उसको और उसके छोटा बच्चा जो कि 4-5 दिन का ही है उसको तंग करेगा। और जब इस बात के लिए उन्होंने मना किया तो उसने उनको दोनों को, उसको और उसके 4 दिन के बच्चे को, सारा दिन रात में ठंड में रखा और जिसके कारण उसकी डेथ हो गई, उसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई, जिसका हमने 345 नंबर FIR 304-323 में थाना फ्लोर में दर्ज की। और मानयोग्य अदालत में जब हमने उनको पेश किया तो उन्होंने कहा कि विद द कंसेंट ऑफ द मदर आप बच्चे को जो उन्होंने दफना दिया था उसका पोस्टमार्टम अगर वो चाहते हैं तो उस करवाया जाए और कॉज ऑफ डेथ जो है बच्चे की पता की जाए, जो हमने आज उसका कॉन्सेंट कोर्ट में करवा दिया। कल हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे जिससे पता चल सकेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई। आरोपी जो है, जो उसका पिता है, उसको पकड़ लिया है जाके? अभी तक वो काबू नहीं आया है, दौड़ा हुआ है, उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया। तो कोई मामला जो दर्ज किया है किस धारा में दर्ज किया? 304-323। अमृतसर में माननीय जिलाधीश की हिदायतों पर MTP विभाग की ओर से गैर कानूनी बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए ATP हरजिंदर सिंह ने बताया कि अमृतसर में अलग अलग जगहों पर गैरकानूनी ढंग से किए गए निर्माणों को गिराया गया है और कानूनों की उल्लंघना कर निर्माण करने वालों पर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा डॉक्टर हरप्रीत सिंह के अस्पताल के साथ की बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 23 बिल्डिंगों की लिस्ट तैयार की गई है जिन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हरजिंदर सिंह, ATP म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमृतसर। आज मानयोग DC साहब, मानयोग जॉइंट पुलिस साहब दिया हदायत अनुसार आज डेमोलिशन टीम ने पहला बिल्डिंग जी समाइल सेंटर वाली उसे एक्शन किया। वो बिल्डिंग का कमर्शियल नक्शा पास ही लेकिन वायलेशन ही, वो वायलेशन रिमूव किया और उन्होंने को अंडरटेकिंग ली है भी बाकी जी बिल्डिंग जिनी वायलेशन रही अपने पद्धर से ढा ली जाएगी। उस तो बाद डॉक्टर हरप्रीत सिंह होस्पिटल के नाल बिल्डिंग सील किया गया। हूँ मजीठा रोड से डॉक्टर मंजू गुप्ता जी की बिल्डिंग वो आए हैं, उसते एक्शन किया और उन्होंने अपनी बिल्डिंग का रैशी नक्शा जोड़ा अपलाई करके पास कराया ही, लेकिन देखने वो बिल्डिंग कमर्शियल लुक ही,
कमर्शियल एक्टिविटी लिए वरती जा रही है। डॉक्टर राज कुमार जी दिया कहन अनुसार एफीडेविट देने के अनुसार उन्होंने दसिया जी यही अपनी बिल्डिंग का कमर्शियल नक्शा जोड़ा वा अपलाई किया और कमर्शियल नक्शा पास होने तो बाद ही अगली जी कार्रवाई है जब बिल्डिंग बनाने की कार्रवाई वो की जाएगी। मैं पब्लिक नू अपील करता सारिया नू भी कोई भी काम आ नक्शा पास करा के किया जाए। नक्शा पास ना कराने तो दी सूरत विच बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों जिहड़ी नजायज़ बिल्डिंगां ते कार्रवाई जिहड़ी आ की जाएगी और इस तरह ही जिहड़ी आ डेमोलिशन जारी रहेगी। अज सारे ATP बिल्डिंग इंस्पैक्टर स्टाफ वालों ये बिल्डिंगा ते एक्शन किया गया अगों ये बिल्डिंगा ते एक्शन जी नजायज़ बिल्डिंगा ते एक्शन जारी रहेगा। ये टोटल 23 बिल्डिंगा जिहड़ियां मतलब कि अपना CVO साहब वालों फाइनल कीती गईयां वो 23 बिल्डिंगा ते जिहड़ी कार्रवाई है लगातार इस तरह जारी रहेगी। जिन्नियां भी CVO साहब वालों 23 बिल्डिंगा की कहा गया सी उन्हां ते कार्रवाई अज शुरू करती है। दो बिल्डिंगा ते हो गई है बाकी जिहड़ियां 21 रहिंदियां ने ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਸਰਕਲ ਰੋਡ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 50 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। जालंधर में लूटपाट और चोरी की वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं दिन दहाड़े एक्टिवा सवार युवकों ने निजी अस्पताल के बाहर गाड़ी के पास खड़े कुछ युवकों को निशाना बनाया। इस दौरान एक्टिवा पर सवार होकर आए स्नैचरों ने वहां पर खड़े एक युवक के गले से चेन खींचने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद स्नैचरों ने दूसरे युवक को घेर कर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान उक्त युवक स्नैचरों से भिड़ गए। इस हाथापाई में स्नैचर वहां से जान बचाकर भाग गए। इसी दौरान उनका एयर पिस्टल वहां पर गिर गया। वहीं पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची थाना 4 की पुलिस ने एयर पिस्टल को कब्जे में ले लिया है। पीड़ितों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲਟੀ ਚੈਨੀ ਪੈ ਸੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕਦਮ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਰ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਕੋਥਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚੇ। डेमोक्रेटिक काउंसिल की स्थापना 2015 में देश के नागरिकों के सामाजिक उत्थान और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने के उद्देश्य से की गई थी। डॉक्टर रमेश ओबराय के मार्गदर्शन में परिषद देश के गरीब और वंचित नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रही है। ठंड के मौसम में देश के उत्तरी हिस्सों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है और ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी भी खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में गुरुजी डॉक्टर रमेश ओबराय के मार्गदर्शन और प्रेरणा से रवि रखेजा, हरमिंदर सलूजा एवं CA पुनीत ओबराय ने ऐसे व्यक्तियों को वितरित करने के लिए कंबल, ऊनी टोपियों की व्यवस्था की है। यह परियोजना रात 9:30 बजे शुरू हुई और ये सदस्य ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को खोजने के लिए शहर की विभिन्न सड़कों और इलाकों से गुजरे। परिषद कम से कम 35 से 40 ऐसे लोगों को ढूंढने में सफल रही जो ज्योति चौक, शास्त्री मार्केट, रेलवे स्टेशन, देवी तालाब मंदिर, सोडल मंदिर, फुटबॉल चौक, गीता मंदिर आदि क्षेत्रों में खुले में सो रहे थे। प्रोजेक्ट रात 1 बजे तक जारी रहा। गुरुजी ने बताया कि आने वाले दिनों में कंबल और टोपी वितरण के साथ साथ रात में खुले में ठिठुरते इन लोगों को चाय भी वितरित की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट।
संगरूर जिले के ट्रक ड्राइवरों की ओर से भटिंडा चंडीगढ़ में नेशनल हाईवे के ऊपर बना कालाझाड़ टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ संगरूर के भवानीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया गया, तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन दल बल सहित उक्त स्थान पर पहुंच गया ताकि स्थिति बेकाबू ना हो सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। धरने नूं देखो जी, बीजेपी सरकार दे जो काले कानून ने वक्रे वक्रे वो काले कानून थोपी जाते हैं साढ़े थोपी कहेंगे उन्होंने रोकने वास्ते साढ़े सारिया ट्रक यूनियन इकट्ठे होंगे ने टैक्सी यूनियन साढ़ा ड्राइवर भाईचारा सारे तनु चन्नो टोल प्लाजे से इकट्ठा हुआ। अगला स्टैप नहीं होगा, अगला स्टैप साढ़े सूबा प्रधान अजय सिंगला जी जो लीक के देंगे असं उन्होंने नाल प्रधान आल पंजाब ट्रक एकता। अज देखो जी कटता है जिवें तुहानू साढ़े प्रधान जी ने दस्सिया है कि जो सेंटर सरकार वालों साढ़े ड्राइवर भरावान लिए एक काला कानून लिया गया अज वो विरोध के असी चन्नो टोल प्लाजा विखे रोड जाम किया हुआ जी। जिनी देर साड़ी मंग नहीं पूरी होंगी है काला कानून वापस नहीं होंगे अज असी एक रणनीति बना के इतों असी आपके संघर्ष की शुरुआत कर जा रहे हैं। ये संकेतक धरना अज का जो है ये बिल्कुल जी एक संकेतक धरना है कि सरकार दिया नज़र इस पास जान कि जी जो ट्र पंजाब के ज हिंदुस्तान के ट्रक ट्रक ड्राइवर लिए जो सरकार ने कानून बनाया है वह कानून बिल्कुल भी उस कानून की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्सीडेंट होंगे वो अचनचेत होंगे ना कि कोई जान बुझ के किया जाता होंगे। नहीं वो असं अच पहला अच हूँ तक साड़िया जो पकारा ने वह ट्रक जो सरकारी माल दिया प्राइवेट दिया हूँ तक बंद ने हूँ सानू जो पंजाब के बख बख जथेबंदियां ने चाहे वह टैंकर यूनियन है चाहे वह टैक्सी यूनियन है चाहे स्कूल बसा ने अपन दूजिया बसा ने ट्रक ऑपरेटर ने सब का सहयोग है अज सारे ही जो आगू ने जथेबंदियां ने वह बह के जो अगला अगला साडा प्रोग्राम है वो रणनीति तय करांगे। सिंह गिल है, मैं पंजाब ट्रक एकता कोर कमेटी का मैंबर हाँ। अज असी 6 तरीक न चन्नो विखे टोल टैक्स प्लाजे के उत्ते जिहड़े काले कानून केंद्र सरकार कन्नी लियांदे गए ने जिहदे विच जे एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद तो 10 लाख रुपये का जुर्माना वह काले कानून का काले कानून की असी निखेधी करते हैं तो असी कहने भी तुरंत रूप दे विच केंद्रीय सरकार का कोई ना कोई मंत्री चाहे वह गृहमंत्री होवे चाहे प्रधानमंत्री होवे वह सामने आवे ये कानून वापस लैन की ऐलान करे तो यह कानून की मंग देश दे विच किसे ने भी नहीं की सी जदों असी 30-40 साल का संघर्ष करते हैं उस तो बाद भी केंद्र सरकार कानून नहीं लेके आउंदियां तो बिना मंग तो यह काले कानून क्यों लियांदे इहदे पिछे की कारण है ये देश की जनता जानना चाहती है तो ये जिहड़े कानून ने ये बहुत ही माड़े ने क्योंकि जदों साडा ट्रक ऑपरेटर किते भी दूर दराजे कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उत्थे गलती नहीं देखी जाती भी वह ट्रक ऑपरेटर की है या आम नागरिक की है उत्थे साडे ट्रक ऑपरेटर के गुप्त अंगा ते लत्तां मारियां जांदियां उन्हां नूं बन लिता जांदा उन्हां नूं नूड लिता जांदा उन्हां दी वीडियो बनाई जाती है उन्हां दे सिरां च गंडासे दे डांगा मारियां जांदियां ने। भगवान श्री राम जी की अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को समर्पित एक भव्य विशाल शोभा यात्रा प्रकाशवती सर्व हितकारी विद्या मंदिर स्कूल केशव नगर जालंधर की तरफ से निकाली गई। ये शोभा यात्रा शिव विहार ग्रीन मॉडल टाउन इंदिरा पार्क विनय मंदिर गोल मार्केट से PPR चीमा नगर मिठापुर रोड से होते हुए स्कूल प्रांगण तक निकाली गई। इस विशाल शोभा यात्रा को स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती दीपक राणा प्रबंध कमेटी के सदस्यगण सोमेश लूथरा मनदीप तिवारी वरिंदर पाल बंटी राजेश शर्मा जतेंद्र अरोड़ा कमल कांत एरी मुख्य रूप से आए राजविंदर कौर राजेंद्र शर्मा प्रमोद कालिया रॉबिन सांपला डॉक्टर राहुल जामवाल अमरजीत सिंह किशन लाल शर्मा दीवान अमित अरोड़ा योगेश धीर हितेश चोपड़ा रोहन सहगल राजी ठाकुर नरेश गुप्ता वरिंदर करवल सुशील सजीव दत्ता एवं सजीव सांवरिया ने हरी झंडी देकर रवाना किया। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ा बैंड बाजों के साथ साथ प्रभु श्री राम माता सीता हनुमान जी के बाल स्वरूप रथ में सबसे आकर्षण का केंद्र थे। यात्रा में प्रभु श्री राम जी एवं भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीरों वाले केसरिया झंडे और सभी के गलों में पटकों से यात्रा को भगवामय कर दिया। यात्रा में अक्षत कलश के साथ दर्जनों महिलाओं ने श्री राम का भजन कीर्तन किया। इस मौके पर
सुमेश लूथरा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उसका अनुसरण करने की प्रेरणा दी। जालंधर से हलचल के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जय श्री राम। आज प्रकाशवती सर्वधिकारी विद्या मंदिर तो जड़ी ये कलश यात्रा निकल रही है। ये प्रभु श्री राम लला जी का जो 22 तरीक नूं प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है अयोध्या दे विच, उहदे संदर्भ च पूरे देश दे विच पूरे विश्व दे विच जिहड़ियां कलश यात्रा अक्षत आए है उस रूपी निकल रहे। अज प्रकाशवती स्कूल दे विचों भी जिहड़ी यात्रा निकल रही है इस इलाके नूं राममई करन वास्ते। अज बच्चियां ने भी यह प्रण लिता और बच्चे इस जिहड़ी यात्रा नूं कलश यात्रा नूं उस जन जन तक कोई भी छुट्टे ना उस वास्ते वो भी बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं स्कूल के माध्यम के नाल। और मैं इन्हां सबनों इन्हां दे माध्यम नाल सब लोगों नूं ये राम भगतों नूं ये एक निवेदन करदा कि जिहड़ी 22 तरीक आने वाली है उस दिन प्राण प्रतिष्ठा है अपने नेड़े दे लगते हुए मंदिर दे विच जाके 11 तो 1 जिहड़ा वो प्रभु राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा देखिए। उस तो बाद जो शाम नूं जिहड़ी है भव्य दीपमाला करके 5 दीपक कम से कम अपने घर जलाइए। उस तो बाद जो आप लाइट सज्जा कर सकते हैं क्योंकि ये दिवाली नहीं है महादिवाली है क्योंकि 14 साल बाद जो तो राम जी बनवास तो आए थे तो आप दिवाली रूपी उस पर्व नूं मनाने हैं। हुण जिहड़े प्रभु राम लला है 496 साल बाद अपने घर के विराजमान हो जा रहे हैं। ये दिवाली नहीं रह गई ये महापर्व हिंदुओं का दिवाली है महादिवाली है। इस पर्व नूं आप दीपमाला सज्जा करके उसकी खुशी प्रकट करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज प्रकाशवती सर्वधिकारी विद्या मंदिर स्कूल से एक बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसके तहत आज हमारे विद्यालय में बहुत ही ग्रैंड शो के साथ पैंपन शो के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारी शोभा यात्रा का मुख्य मकसद निकालने का श्री रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 तारीख को हमारे अयोध्या में हो रही है। सो इस उपलक्ष में आज हमारे विद्या मंदिर में ग्रैंड हमारी प्रबंध समिति की तरफ से आज सब आए हुए सज्जनों का यहाँ पे महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रकाशवती सर्वधिकारी मंदिर जितों एक बहुत भारी प्रभु राम की शोभा यात्रा निकल रही है। ये जी शोभा यात्रा है इनके बारे मैं एक गल विस्तार ना कहना चाहता। साडा जगह सपना सी भी साडा राम जन्म भूमि का मंदिर बने वो साडा सपना सच हो गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होगा मंदिर च प्रभु राम लला की मूर्ति का वो लाने वास्ते असी अज भारी शोभा यात्रा जलंधर च निकाल रहे हैं क्योंकि बच्चों ने एक प्रण लिया भी असी कसम भगवान राम की खाने भी मंदिर में ही बनाएंगे। अब जो बच्चों का प्रण पूरा होगा पाया उस खुशी च बच्चे अपने स्कूल को एक शोभा यात्रा के रूप में जलंधर निवासियों को एक मैसेज देंगे कि 22 तरीक को जिते तुम प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठान अपने मंदिरों च बह के अपने शाम को एक महादिवाली के रूप में दिवाली मनानी है ता कि प्रभु राम की जी खुशी है सागे जलंधर वासियों से सागे पंजाबियों वस सके क्योंकि जगों 14 वर्ष का बनवास प्रभु राम कट के आए थे असी एक दिवाली मनाई थी हूँ असी महादिवाली मना क्योंकि 500 साल बाद बाबरी ढांचा कहान तो बाद प्रभु राम का मंदिर अयोध्या च मंग लिया उनकी खुशी सानू भारत वासियों हिंदुस्तान के हर नागरिक को और दुनिया के हर कोने जिके प्रभु राम का भक्त बैठा जो गुरु नानक नाम लेवा बैठा उन्होंने खुशी है भी असं प्रभु राम का मंदिर बना रहे हैं। मैं अज के दिन से जितने वधाई देना अगर मंगल कामना करता भी सारिया खुशियां एकदम ही प्रभु राम का सांझिया हो गई। जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के नेता बाबा कामले सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु साहिबान के समक्ष नतमस्तक होकर ड्राइवर भाइयों की
चढ़दी कला की अरदास की और केंद्र सरकार से 25 करोड़ ड्राइवर भाइयों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात भी कही। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन जैसे काले कानून बनाने की बजाय ड्राइवर भाइयों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम की भी शुरुआत करने की जरूरत है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर माता देखने आए हैं। हम यहाँ पे से आशीर्वाद लेने आए हैं कि देश के 25 करोड़ ड्राइवरों का जो डिमांड है, उनका जो मांग है, वो पूरा हो सके। जो केंद्र सरकार ने नया कानून निकाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है, हिट एंड रन जिसे कहा जा रहा है। हिट एंड रन के कानून के खिलाफ देश भर के सारे ड्राइवर, इसके अंदर ट्रक ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, बस ड्राइवर, इनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि इस कानून में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी अपघात करता है तो अपघात करने के बाद में उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इस कानून के खिलाफ आप देख रहे हो, देश भर के रस्ते पर ड्राइवर खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने ड्राइवरों की अन्य मांगे भी है, क्या मांगे हैं उनकी? उनकी मांग है कि उनके लिए राष्ट्रीय चालक आयोग बने, जिस तरह से अन्य आयोग है, महिला आयोग है, मागा स्वर्गीय आयोग है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि ड्राइवर आयोग बने और उसके साथ में हमारे जो ड्राइवरों के बच्चे हैं उनकी शिक्षा मिले, उनको शिक्षा की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। और ड्राइवरों को बूढ़ेपन में, मतलब वृद्धापकाल में, उनको पेंशन की सुविधा मिले, ये भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलफेयर बोर्ड का गठन करना चाहिए। और आप जानते हो देश भर में काफ़ी डे है, मदर डे है, फादर डे है, लवर डे है और क्या क्या डे है, लेकिन जो ड्राइवर देश की सेवा कर रहा है, देश के रास्ते पर 24 घंटा खड़ा है, उसके लिए कोई डे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर डे भी बने और इसके साथ ही साथ में आप जानते हो कि इस देश को खड़ा करने में, देश के स्वतंत्रता में ड्राइवरों ने भी सहभाग दिया है, ड्राइवरों का भी योगदान है, उन्होंने भी आपकी जान दे दी है। तो ऐसे ड्राइवरों के लिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्मारक हो। तो साथियों, हम आए हैं पंजाब के इस भूमि पर, जिस भूमि ने किसान आंदोलन किस तरह से किया जाता है बता दिया। सरकार के खिलाफ जो किसान इकट्ठा हुए थे, ये वही भूमि है जहाँ से किसान का आंदोलन खड़ा हुआ था। तो हम यहीं से ड्राइवरों को अपील कर रहे हैं, ड्राइवरों को आह्वान कर रहे हैं कि साथियों, जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, उसी तरह का आंदोलन हमें करना पड़ेगा। सरकार ये काला कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, डटे रहिए, स्टीयरिंग छोड़िए और अपने अपने जिला अधिकारी कार्यालय पे जाके बैठ जाइए, अपने अपने आरटीओ के सामने जाके बैठ जाइए। किसी भी हाल में ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या कहना चाहते हैं? हमने कल गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, साथ ही हमने जंतर मंत्र पर प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन सरकार ने जो ड्राइवरों के संगठन है, देश भर के 28 राज्यों संगठन आए थे, उनके साथ बात नहीं किया। सरकार ने जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ बात करके ऐसा ऐलान कर दिया कि ये स्ट्राइक ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्ट्राइक ख़त्म नहीं हो चुका, स्ट्राइक चालू है। आज भी आप आसाम जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आज भी आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, वहाँ पे आपको ड्राइवर रस्ते के ऊपर खड़ा हुआ मिलेगा। लोगों से क्या अपील करते हैं? ये इस पंजाब के धरती से और हम ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवरों से ये अपील करते हैं कि साथियों, स्टीयरिंग छोड़िए और स्टीयरिंग छोड़कर आपको घर में नहीं बैठना है, आपको जाना है आपके जिला अधिकारी कार्यालय के सामने। नए साल की आमद पर अमृतसर शहर को धुंध की सफेद चादर ने अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन फिर भी देश विदेश से संगत सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही है और श्रद्धालुओं की आस्था धुंध पर भारी पड़ रही है। इसलिए दूर दूर से संगत गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंच रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
स्टाइलो पंजाबन विंटर एंड वेडिंग एग्जीबिशन का आयोजन 6 से 7 जनवरी तक जालंधर के होटल शंग्रीला में किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग शहरों से विभिन्न ब्रांड्स के सर्दी से संबंधित कई प्रकार के प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके चलते ग्राहकों को एक ही छत के नीचे हर प्रकार का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्राहकों के लिए इन स्टॉल्स पर खरीदारी पर विशेष छूट भी दी जा रही है, इसलिए आयोजकों ने शहरवासियों के इस एग्जीबिशन का बढ़ चढ़ कर लाभ उठाने की अपील की है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, आई एम ऑर्गेनाइजर ऑफ स्टाइलो पंजाबन एग्जीबिशन। हमारे यहाँ आज होटल शंग्रीला में एग्जीबिशन चल रहा है, 2 डेज का एग्जीबिशन है ये, 6 और 7। आप प्लीज़ विजिट करो, हमारे यहाँ पे अलग अलग शहरों से स्टॉल आए हुए हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, सब जगह से अलग अलग। सर्दी के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। सो प्लीज़ जलंधर आप सब विजिट करो एक बार यहाँ पे स्टाइलो पंजाबन होटल शंग्रीला। तो मैम, ये कल संडे है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संडे के लिए ये है, कल आज भी देखो डिस्काउंट आज भी चल रहा है, कल भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। बहुत स्टॉल्स ऐसे हैं जिन्होंने हैवी डिस्काउंट दे रखा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे सूट्स की वैरायटी है, गर्म सूट्स की, अपने यहाँ वेस्टर्न की वैरायटी बहुत अच्छी है, फुटवेयर बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा। आप एक बार जरूर विजिट करो यहाँ पे होटल शंग्रीला में। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मातृपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें गायकों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रवीण लक्की एंड पार्टी ने मनमोहक भजनों को गाकर मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव सीए वीएम अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हिसाब तेरे को साढ़े हर सवाल दा, साढ़े हर सवाल दा, हथा दी अली गाना हिसाब तेरे को। Yeah.
संतोष चड्डा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं प्रार्थना सभा श्री महालक्ष्मी मंदिर जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडित विशाल शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय श्रीमती संतोष चड्डा की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मेयर जगदीश राजा, पूर्व CPS KD भंडारी,
राकेश सभरवाल, मुकुल सभरवाल, इकबाल सिंह अरनेजा, बाबी शूर सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती संतोष चड्डा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। दर्शना रानी धीर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय दर्शना रानी धीर की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर आनंदपुर कुटिया सेंट्रल टाउन वाले बाई जी ने स्वर्गीय दर्शना रानी धीर की आत्मिक शांति हेतु वैरागमयी कीर्तन कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय दर्शना रानी धीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुनील धीर का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार हरनाम दासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सुनील धीर को मुखाग्नि उनके बेटे आशीष धीर ने दी। इस मौके पर अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पूर्व मेयर राकेश राठौर, राकेश मल्होत्रा, रमन पब्बी, राजेंद्र कोहली, मनोरंजन मदान, रिक्की सहगल, सलील बाहरी, बिट्टू मल्होत्रा, राजू थापर और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी नीलम धीर, अनिरुद्ध धीर, रोहित भंडारी, दीपाली भंडारी, दर्शन धीर सहित राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुनील धीर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सविता गर्ग अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म चौथा एवं उठाला गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय सविता गर्ग की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर आप नेता मोहिंदर भगत और सभी पारिवारिक सदस्यों सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती सविता गर्ग को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज हम उस पुण्य आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए
इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। परिवार की ओर से मुझे आज्ञा हुई है कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करूं। उससे पहले हमें कुछ संस्थाओं से, कुछ व्यक्तियों से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जो कि एक्स मिनिस्टर पंजाब हैं, सुशील रिंगुली जो जलंधर के सांसद हैं, मनिंदर कालिया जी पूर्व मंत्री पंजाब जिनका परिवार के साथ बहुत गहरा नाता है, आज किसी कारणवश नहीं आ सके, अजेंद्र बेरी जी एक्स MLA, राजकुमार राजा जी एक्स मेयर, महेंद्र भवे जी जो सीनियर आप नेता हैं वो हमारे बीच में विद्यमान हैं, भारत विकास परिषद जलंधर साउथ उनकी ओर से एक शोक प्रस्ताव आया है, योगेश मल्होत्रा जी जो कि भाजपा नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, पंचवटी मंदिर कमेटी की ओर से एक शोक प्रस्ताव आया है, श्री ब्राह्मण सभापति भुजान उनकी ओर से एक प्रस्ताव आया है। मैं इस अग्रवाल परिवार की ओर से आप सबका और इन संस्थाओं का दिल से आभारी हूँ कि आप लोग चलकर आए, आपके आने से हमारा दुख कुछ कम हुआ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग इस परिवार के साथ इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। ओम शांति शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोल श्री गायत्री माता जी की। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षभुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति श्रवणम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यप दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। संगरूर के घाबंदा में बने सरकारी नशा छुड़ाओ केंद्र से भागे कई नशा पीड़ित, पुलिस तलाश में जुटी। तरनतारन के अधीन आते गांव भैनी मस्सा में गैस लीक होने से एक घर को लगी आग, 3 सदस्य बुरी तरह से झुलसे। जालंधर के मंडी रोड डाक खाने वाली गली में चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल चुरा कर भाग रहे 3 युवकों को लोगों ने किया काबू, किया पुलिस के हवाले। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।